दोस्तों आज हम आए श्याम कुटी में, देख सकते हैं आज हम श्याम कुटी में आए हैं एंड आज हम जो इधर के दर्शन करेंगे। राधे राधे बाबा जी, महाराज जी राधे राधे। भोग लगेगा तो 2 मिनट में हम आपको इधर बाहर का दिखा देते हैं। ये जो प्राचीन पेड़ है यहाँ का श्याम कुटी का, एंड अगर आप श्याम कुटी आएंगे तो यहाँ जरूर आना दर्शन करने के लिए। अब जो है इधर महाराज जी का भी इंटरव्यू जरूर लेंगे। एंड ये जो है भोलेनाथ का मंदिर है, मंदिर में चलते हैं इधर को। इधर जो परिक्रमा भी लगती है हम करेंगे और शाम के हम बैक साइड पे आ गए ना। मुझे तक के बाबा जी है छोटा सा शिवलिंग है चरण पादुका में, बस भोग लगा रहा है। फिर हम जो है आपको अंदर के दर्शन दिखाते हैं और महाराज जी से इंटरव्यू है। दर्शन खुल चुके हैं, महाराज जी राधे राधे। एंड दोस्तों ये हैं दर्शन इधर के, देखिए इतने सुंदर दर्शन है। ये हनुमान जी हैं एंड नीचे जो है चित्र पड़े हैं, इधर राधा कृष्ण जी के दर्शन हैं, शालीग्राम जी भी हैं, लड्डू गोपाल जी भी हैं। अभी इधर जो है भोग लगाए, देख सकते हैं आप, माथा टेक लेते हैं। उसके बाद मिलते हैं। ये बता सकते हैं श्याम कुटी जो है कैसे नाम पड़ा और ये जो है इधर कैसे स्थापना हुई? भगवान कृष्ण जी के समय की ही वो है श्याम कुटी। भगवान के समय पे वरुण देव खुले के जा रहे थे, भगवान का मुकुट जी जी, तो उनकी इच्छा होती से यहाँ पर मुकुट दे दिया था। अच्छा, उसकी वजह से श्याम कुटी नाम हो गया श्याम कुटी। हाँ ठीक है, तो उन्हीं के समय से ही श्याम कुटी नाम प्राचीन श्याम कुटी है जी जी। सबसे पुरानी है, कितने साल पुरानी है ये? बस कम से कम मान के चलो 400 से 500 के आसपास। ठीक है, और महाराज जी इधर जो महाराज जी हैं ये जो बैठे हैं उधर जी, इन्होंने इधर स्थापना की? हाँ, ये पहले महंत रहते थे जी, ये 35 साल पहले महंत थे। अच्छा अच्छा, तो अभी शास्त्री थी रहते। अच्छा, दूसरे महंत जी जी, और उसके बाद में ठाकुर जी जी गंगा शंकर जी जी। अब बाबा जी आपका शुभ नाम? गौशाला कितनी पुरानी है? गौशाला अच्छा जमी की है। अच्छा, कितनी गई है ये? अच्छा, एक ही बोली और लोगों को खिलाओ रह जाएंगे हिसाब से ना। ये तो सच्चा ये मारते नहीं है बिल्कुल, जो है पा रहे हैं प्रेम तो सभी में है वृंदावन में। तो कोई कैसी